देश प्रदेश के साथ शहडोल जिले में भी कोरोना के पॉजिटिव केसों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 3 दुकानों को सील कर कार्यवाही की है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद जिले के कुछ दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुराने ढेर पर दुकान में भीड़ लगाकर व्यापार कर रहे थे। इसी क्रम में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए कई दुकानों को सील कर दिया। इस दौरान जिले के कलेक्टर सत्येंद्र सिंह जायजा लेने मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी बिना मास्क के पाए जाने पर या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, शहर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, कभी भी मास्क के बिना निकल रहे हैं। दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरह से होना चाहिए उस पर लोग जो है रिलैक्स हो रहे हैं, इसलिए आज सख्ती से कार्रवाई शुरू की गई है और लगभग आप देख रहे हैं कि 90 से ऊपर चालान अभी तक हो चुके हैं और ये लगातार अनवरत अभियान जारी रहेगा और सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। लोगों से साथ में अपील है कि अपने खुद की सुरक्षा के लिए और समाज के हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, अपने शहर और जिले की सुरक्षा के लिए कृपया मास्क लगा के चलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें ताकि जिला प्रशासन और पुलिस को अनावश्यक रूप से सड़कों पर नियुक्त करना पड़े और अनावश्यक कामों में अपना समय वेस्ट नहीं करना पड़े। थैंक यू।